नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार शिक्षक भर्ती के इन अभ्यर्थियों को नहीं होगी काउंसलिंग। अधिकारियों व कर्मचारियों को इस दिन तक देना होगा चल अचल संपत्ति का ब्यौरा। बिहार में एक और कोरोना का मामला आया सामने। ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, इस वजह से हारी भारतीय टीम। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार शिक्षक भर्ती के इन अभ्यर्थियों की नहीं होगी काउंसलिंग। 26 दिसंबर से बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा दूसरे चरण में ली गई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन बता दें कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई है। मालूम हो कि जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पर रोक लगाई गई है उनमें वैसे अभ्यर्थी शामिल है जिनके पास आधार नंबर या आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर नहीं है, और साथ ही वैसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पर भी रोक लगाई गई है जिन्होंने 6 महीने के भीतर आधार कार्ड में अपना फोटो या नाम बदल लिया है। ऐसे अभ्यर्थियों के मामले संदेहास्पद स्थिति में रखे गए हैं। इस मामले की गहनता से जांच की जाएगी। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा इस मामले को लेकर राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। कुहासे को लेकर लोको पायलट को मिले खास निर्देश। फॉग सेफ डिवाइस पूर्व मध्य रेलवे के तमाम ट्रेनों के इंजनों में लगाए गए हैं ताकि इस घने कोहरे में ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन करवाए जा सके। इसके अलावा रेल ट्रैक पर रेल कर्मियों से लगातार पेट्रोलिंग करवाई जा रही ताकि कड़ाके के इस ठंड में रेल ट्रैक के फ्रैक्चर होने की जानकारी तुरंत मिल सके। लोको पायलट जब अपनी ड्यूटी पर जाते हैं उस दौरान उन्हें FSD देने की व्यवस्था भी है जो जंक्शन के लोको लॉबी में रखा होता है। लोको पायलट इसके डिस्प्ले मशीने को इंजन के अंदर केबिन में अपने सामने और डिवाइस के एंटीना को इंजन के ऊपर लगाते हैं। फिर आगे केबल के मदद के जरिए डिवाइस मशीन से इस एंटीना को जोड़ दिया जाता है। इस GPS की मदद से 500 मीटर पहले ही लोको पायलट को डिवाइस से आगे सिग्नल की स्थिति, रेलवे स्टेशन और फाटक आदि की जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा कुहासा होने की स्थिति में लोको पायलट और स्टेशन मास्टर को निर्देश देते हुए कहा गया है कि दृश्यता बाधित होने पर लोको पायलट ट्रेन के ब्रेक पावर, लोड और दृश्यता की स्थिति के आधार पर गाड़ी की गति को नियंत्रित करे। साथ ही लोगों को गाड़ी आने की सूचना मिलती रहे इसके लिए लगातार हॉर्न भी देते रहें। अधिकारियों व कर्मचारियों को इस दिन तक देना होगा चल अचल संपत्ति का ब्यौरा। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों से 31 दिसंबर 2023 की स्थिति के आधार पर उनके चल एवं अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है जो कि सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को 15 फरवरी 2024 तक अनिवार्य रूप से देना है। ऐसे में जिन भी अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा निर्धारित समय तक ब्यौरा उपलब्ध नहीं करवाया जाता है उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनके वेतन पर रोक लगा दी जाएगी। मालूम हो कि राज्य सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना है उसमें राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर केंद्रीय सिविल सेवा और अन्य किसी सेवा के अधिकारी, राज्य सरकार के समूह के क, ख एवं ग के अधिकारी और कर्मी के साथ राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी उपक्रमों के समूह क, ख एवं ग के अधिकारी व कर्मी शामिल है। किराए के मकान से 155 लीटर अवैध शराब बरामद। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन शराब तस्करी से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। हालांकि इन पर उत्पाद विभाग की ओर से नकेल कसने के लिए कड़ी मेहनत की जा रही है। बता दें कि ताजा मामला बिहार के पूर्णिया का है जहां मरंगा थाना की पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर सरिता विहार किराए के मकान से 155 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद किया गया है और साथ ही इस दौरान पुलिस के द्वारा दो तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई है जिसकी पहचान शशिभूषण उर्फ सोनू कुमार शाह और सौरभ कुमार के रूप में की गई है। वहीं एक तस्कर भागने में सफल रहा जिसकी पहचान आशुतोष कुमार के रूप में की गई है। फिलहाल इस मामले की आगे जांच पड़ताल की जा रही है। बता दें कि इस बात की जानकारी मरंगा थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार के द्वारा दी गई है। वाणिज्य कर विभाग में 120 अधिकारियों का हुआ तबादला। वाणिज्य कर विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि विभाग के अपर आयुक्त, संयुक्त आयुक्त और उपायुक्त स्तर के 120 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। बता दें कि जारी किए गए अधिसूचना में जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है उसमें अपर आयुक्त स्तर के 44 और संयुक्त आयुक्त स्तर के 76 अधिकारी शामिल है। वहीं 29 उपायुक्त को संयुक्त आयुक्त स्तर में प्रमोशन भी दिया गया है। बता दें कि आयुक्त मुख्यालय में तैनात विनोद कुमार झा को अन्वेषण ब्यूरो में अपर आयुक्त के पद पर तैनाती दी गई है। वहीं मगध प्रमंडल के अपर आयुक्त किशोर कुमार सिन्हा और दरभंगा प्रमंडल के सचिदानंद शर्मा का तबादला मुख्यालय में किया गया है।
आज अयोध्या पहुंचेगा नेपाल की पवित्र नदियों का जल। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। एसएमएस को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में आज गवा माई रथ यात्रा समिति के साथ नेपाल हिंदू परिषद की ओर से रामलला के अभिषेक के लिए नेपाल की नदियों बागमती, नारायणी, गंगा सागर, दूधमती, काली गंडकी, कोशी, कमला आदि का जल एकत्रित कर अयोध्या ले जाया जा रहा है। बता दें कि नेपाल के जनकपुर से निकली यह जलाभिषेक यात्रा बीती रात बिहार के गोपालगंज पहुंची, जहां से अब विधिवत तरीके से पूजा करने के बाद आज जल अयोध्या पहुंचेगी, जिसके बाद इस जल से मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय पूजन में भगवान की मूर्ति का स्नान कराया जाएगा। के पाठक ने दिया नया निर्देश। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बीती रात अचानक से सीतामढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने जिला मुख्यालय डुमरा स्थित डायट भवन का निरीक्षण किया और साथ ही नए बहाल टीचर्स को निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि यदि आप गांव के स्कूल में नहीं रह सकते हैं तो ट्रेनिंग में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, अभी बाहर चले जाए, क्योंकि आप लोग याद रखिए कि गांव में ही पोस्टिंग होगी। उन्होंने कहा कि आप सभी विद्यालय सही समय पर आएं और बेहतर ढंग से पढ़ाएं। सभी शिक्षकों को पोस्टिंग वाले विद्यालय में करीब 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में ही रहना होगा। इस दौरान के पाठक के द्वारा शिक्षकों से पूछा गया कि यहां सीतामढ़ी जिले के अलावा और किस किस जिले के शिक्षक हैं। इस पर शिक्षकों के द्वारा यूपी, वेस्ट बंगाल और औरंगाबाद जवाब दिया गया। बिहार में एक और कोरोना का मामला आया सामने। एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने लगी है। एसएमएस को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। बता दें कि बिहार में भी एक और कोरोना मामला सामने आ गया है, जिसके बाद अब कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 6 हो गई है। बता दें कोरोना का नया मामला बिहार की राजधानी पटना से सामने आया है, जो कि एक 30 वर्षीय युवक है। फिलहाल युवक को होम आइसोलेशन में रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि अस्पताल में सर्जरी के आने वाले मरीजों का कोरोना जांच अनिवार्य है। जिनमें संक्रमण के लक्षण दिख रहे हैं उनके भी कोरोना जांच अनिवार्य है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि प्रतिदिन 5000 सैंपल के जांच किए जा रहे हैं। नए साल के आगमन पर पटना महावीर मंदिर में बन रहे 20,000 किलो नैवेद्यम। कुछ दिनों में नए साल की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में इसको लेकर बिहार की राजधानी पटना में स्थित महावीर मंदिर की ओर से भी तैयारियां शुरू कर ली गई है। मालूम हो कि एक तरफ जहां साल की पहली तारीख को महावीर मंदिर में भीड़ देखने को मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ 2 तारीख को मंगलवार होने के कारण भी इस बार लोगों की भीड़ रहने वाली है। ऐसे में दोनों दिनों की भीड़ को देखते हुए महावीर मंदिर के द्वारा 20,000 किलो नैवेद्यम तैयार किए जाएंगे। इसके लिए 31 दिसंबर की सुबह से ही तिरुपति के दक्ष कारीगरों की टीम, जिनमें से 70 से अधिक लोग होंगे, वो नैवेद्यम की तैयारी में जुट जाएंगे। मालूम हो कि नैवेद्यम महावीर मंदिर का मुख्य प्रसाद है, जो कि गाय के शुद्ध देसी घी से तैयार किया जाता है। गया में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का टीचिंग कार्यक्रम शुरू। आज यानी कि शुक्रवार 29 दिसंबर से बिहार के गया में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का टीचिंग कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, जो कि 3 दिन यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक चलने वाली है। बता दें कि टीचिंग कार्यक्रम में लगभग 5 दर्जन देशों के 50 से 60 हजार श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। यह कार्यक्रम कालचक्र मैदान में आयोजित किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की भी लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे एरिया को सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले धर्म गुरु दलाई लामा के द्वारा करीब 8 बजे के आसपास कालचक्र मैदान में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया, जिसमें भगवान बुद्ध कमल धारण की मुद्रा में विराजमान है। उसके बाद उनके द्वारा मैदान में प्रवचन दिया गया, जो कि अलग अलग भाषाओं में FM पर प्रसारण किया गया। गोपालगंज के मानवेंद्र इन दिनों रंग को लेकर हैं चर्चा में। बिहार के गोपालगंज के मानवेंद्र त्रिपाठी इन दिनों अपनी शॉर्ट फिल्म रंग को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं, जिसके निर्देशक सुनील पाल हैं और स्क्रिप्ट राइटर जितेंद्र नाथ जीतू हैं। वह इस फिल्म में सिनेमा, टेलीविजन और रंगकर्म में सक्रिय रहने वाले मानवेंद्र त्रिपाठी के द्वारा अभियान का नेतृत्व किया जा रहा है। बता दें कि प्रभात खबर के साथ हुए साक्षात्कार में उन्होंने अपनी इस फिल्म को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया कि इस फिल्म की कहानी 1989 में हुए दंगा के दौरे की है, जिसमें एक पिता व बेटे के इमोशन के ताने बाने की कहानी है। अभिनेता ने बताया कि यह फिल्म 15 मिनट की है, जिसमें आज भगवा और हरे के बीच बढ़ चुके सामाजिक माहौल में उन्हीं दो रंगों को एक साथ लाकर तिरंगे में ढाल देने की बात करती है। समस्तीपुर में फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल 4 शिक्षक सेवा से बर्खास्त। नियोजन इकाई के द्वारा बिहार के समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय अंतर्गत फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है। इसको लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा लिखित सूचना जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दे दी गई है, जिसमें बताया गया है कि प्रखंड अंतर्गत पंचायत नियोजन इकाई मुख्तियारपुर सलखनी, पंचायत नियोजन इकाई पांड, पंचायत नियोजन इकाई नगरगामा, पंचायत नियोजन इकाई कमराओं के पंचायत सचिव ने कार्रवाई की है। नियोजित शिक्षकों का प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के कारण निगरानी ने दलसिंह सराय थाना में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसी आधार पर कार्रवाई की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन 4 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, उसमें रंजन कुमार, सुरेंद्र कुमार राय, अखिलेश्वर कुमार और राजा राम महतो के नाम शामिल हैं।
ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। बीते कई दिनों से ऐसी खबरें चल रही थी कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं आज ललन सिंह के द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया है। बता दें कि उन्होंने यह इस्तीफा आज देश की राजधानी दिल्ली में हो रही जेडीयू की कार्यकारिणी बैठक के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपी गई है। उन्होंने फिलहाल वे पार्टी के अंदर बतौर नेता संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र मुंगेर में चुनावी तैयारियों को देखेंगे। बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ललन सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि चुनाव में अपनी सक्रियता को देखते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं और नीतीश कुमार का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित करता हूं। जेडीयू के इस नेता ने सीएम नीतीश को दी ये गलती करने की नसीहत। एक ओर जहां आज दिल्ली में जेडीयू के कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई, तो वहीं दूसरी ओर बैठक से पहले जेडीयू नेता बेगूसराय के मटिहानी के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक नसीहत दी गई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक गलती करनी ही होगी और वह गलती ये है कि उन्हें फिर से एनडीए में शामिल होना होगा, क्योंकि जब तक वो एनडीए में शामिल नहीं होंगे तब तक उनका बेड़ा पार नहीं लगेगा। बिहार में राजनीति में जो स्थिरता का माहौल है वह बिहार के लिए बहुत ही दुखद है। नीतीश जी के सलाहकारों ने नीतीश जी के द्वारा लिखे गए इतिहास को उनके ही हाथों से मिटवाने का काम किया है। इसमें वो लोग बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में इस वजह से हारी भारतीय टीम। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को 32 रन से हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि भारत की ओर से पहली पारी में जहां 245 रन बनाए गए, वहीं साउथ अफ्रीका के द्वारा 408 रन बनाए गए। वहीं दूसरी पारी में भारत 131 रन पर ही सिमट गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मैच में भारतीय टीम जिन कारणों से हारी उसमें पहला कारण पहली और दूसरी पारी को मिलाकर देखा जाए तो 13 बल्लेबाज दोहरे अंक तक का स्कोर नहीं कर पाए। दूसरा कारण शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी में लाइन लेंथ की कमी देखने को मिली और तीसरा कारण यह रहा कि साउथ अफ्रीका के डीन एल्गर के द्वारा अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए 185 रन की पारी खेली गई। अब बढ़ते हैं आज के पांच सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, नए साल के आगमन पर पटना महावीर मंदिर में कितने किलो नैवेद्यम तैयार हो रहे हैं? ऑप्शन ए 20,000 किलो, ऑप्शन बी 30,000 किलो, ऑप्शन सी 40,000 किलो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 20,000 किलो। अगला सवाल, राज्य सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को कब तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जमा करना है? ऑप्शन ए 10 फरवरी 2024, ऑप्शन बी 12 फरवरी 2024, ऑप्शन सी 15 फरवरी 2024, ऑप्शन डी 17 फरवरी 2024। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 15 फरवरी 2024। अगला सवाल, वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त स्तर के कितने अधिकारियों का तबादला हुआ है? ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 76, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 29। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 76। अगला सवाल, गया में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का टीचिंग कार्यक्रम कब तक चलने वाला है? ऑप्शन ए 3 जनवरी 2024, ऑप्शन बी 2 जनवरी 2024, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2024, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 2023। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 31 दिसंबर 2023। अगला सवाल, साउथ अफ्रीका और भारत के बीच हुए बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भारत के द्वारा कितने रन बनाए गए? ऑप्शन ए 245, ऑप्शन बी 131, ऑप्शन सी 185, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 131। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, उमेश सिसदेव, रवि कुमार राम, अनवर करीम खान, ऋषिकेश सा, रमन कुमार, दीपक कुमार पटेल, गोनर शर्मा, राजकिशोर महतो, बाबूलाल मरांडी, धीरज कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, नौशद राजा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, मोहम्मद अफजल मंसूरी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपने कभी पटना महावीर मंदिर का मुख्य प्रसाद नैवेद्यम का स्वाद चखा है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।